सबसे पहले लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यूज़र नेम डालिए और फिर यहाँ पर पासवर्ड डालिए। लॉगिन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर फिर मास्टर्स में ट्रांसपोर्ट मास्टर पर जाएगा। ट्रांसपोर्ट मास्टर में हमारे पास ट्रांसपोर्ट की पूरी डिटेल होगी। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का नेम पर ट्रांसपोर्ट एड्रेस यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर अब सेव कर दीजिए।